الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام बादशाह
कि हवाई तख्त था आजकल के हिसाब से तैयारा स्पेशल हवाई तैयारा था, इस पर वो सवार होकर सफर किया करते थे। उसके लिए ना कोई इंजन की जरूरत थी, ना किसी के लिए ड्राइवरी की जरूरत थी, कप्तान की जरूरत थी, बस वो हवा को हुक्म देते थे और उनका तैयारा चल पड़ता था। तो अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहि सलाम को उस हवाई तख्त पर मेराज अता फरमाई कि जब उन्होंने सफर के दौरान एक चींटी की हिकमत वाली बात को सुन लिया और फिर काफिले को रोक लिया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाते रहे, यहां तक के वक्त का महमूद बादशाह इतना आपसे कम हुआ कि आपको खत्म करने के लिए उसने आग जलाई। और जब उनको आग में फेंका गया, डाला गया, तो उस मौके पर अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को मेराज अता फरमाई कि फिर फरिश्तों का हर एक का वास्ता बीच से खत्म हो गया। बराह रास्त अल्लाह को उन्होंने कहा कि अल्लाह मेरे लिए काफी है, तुम दरमियान से हट जाओ, अल्लाह मुझे देख रहा है। तो अल्लाह ने फिर उनको ऐसी आग के अंदर जो बज़ाहिर सब कुछ जलाने वाली थी उसको बर्तन व सलामा ठंडक और सलामती वाली बना दी और उसको मेरा जगह। अल्लाह ताला ने बाद रिवायतों में ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम आता है, बाद रिवायतों में किसी और नबी का नाम आता है कि उन्होंने दुश्मनों से अपने आप को बचाने के लिए, कुफार मुश्रिकीन से अपने आप को बचाने के लिए दरख्त को हुक्म दिया कि मुझे अपने अंदर ले लो, और उनको दरख्त ने खुला और अपने अंदर ले लिया। और फिर वहाँ उनके पीछे आने वाले लोगों ने देखा कि आप तो कहीं नहीं है, तो फिर उन्होंने आरे से जो है उस दरख्त को काट कर उनके दो टुकड़े कर दिए। अल्लाह ने वहाँ पर अपने नबी को मिला दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाते हैं इसलिए कि बीवी बीमार है और उसको दर्द ज़हर हो रहा है और उस वक्त उसको गर्माइश की जरूरत है और यूं महसूस हुआ जैसे आग जल रही है। तो आग लेने के लिए जाते हैं, अल्लाह ताला कोहे तूर पर आपको मेराज अता फरमाते हैं और फिर पैगंबरी अता फरमाते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो नबी हैं कि जो अपनी माँ की गोद में है और कहते हैं इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का भेजा हुआ हूँ, अल्लाह का भेजा हुआ हूँ। तो माँ की गोद में अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मेराज अता फरमाई। सारी मेराजें एक तरफ हैं जो दुनिया में मुख्तलिफ मकामात पर मिल रही हैं, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज बिल्कुल जुदा है। अल्लाह ने अर्श पर बुलाकर अर्श पर आपको मेराज अता फरमाई। ऐसा उरूज, ऐसी बुलंदी और ऐसा मौजदा जो आपको मिला वो किसी और को नहीं मिला। और इस सफर का आगाज उम्मे हानी के घर से मस्जिद हराम, फिर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक कराया गया। और जब मस्जिद अक्सा आपकी सवारी पहुंचती है तो आप सवारी से उतरे और जिब्रील अमीन ने एक पत्थर में उंगली के जरिए सुराख कर कर वहाँ पर जो है सवारी को बांध दिया। रिवायतों में आता है कि ये वही जगह थी जहाँ अंबिया अलैहिस्सलाम की सवारियाँ बनी हुई थी, ये वही जगह थी जहाँ अंबिया अलैहिस्सलाम सवारी बांधा करते थे दुनिया के अंदर। तो जिब्रील अमीन को चूंकि मालूम था तो वो जगह बंद हो चुकी थी, वहाँ सुराख कर कर वहीं पर सवारी को बांधा गया। फिर आप मस्जिद अक्सा तशरीफ लेकर गए, अंदर दाखिल होते ही रिवायत में आता है कि जिब्रील अमीन आपके हमराह थे और आपने मस्जिद में दाखिल होने के बाद दो रकात नमाज अदा फरमाई जिसको तहय्यतुल मस्जिद कहा जाता है। तो इसीलिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम मस्जिद में दाखिल हो और नमाज का वक्त हो तो दो रकात नमाज पढ़ लिया करो, जो मस्जिद की नमाज हो, मस्जिद का सलाम हो, इसको तहय्यतुल मस्जिद कहा जाता है। और ये कोई मामूली नमाज नहीं है, ये ऐसी बरकतों वाली नमाज है कि इंसान अगर नियत कर कर इस नमाज का एहतमाम करे तो अल्लाह उस पर से बड़ी बड़ी मुश्किलात को दूर फरमा देते हैं। जिस तरीके से हम किसी सफी के पास जाते हैं, किसी ऑफिसर के पास जाते हैं, किसी दुनिया के अहदेदार के पास जाते हैं,
उसको जाकर हम सलाम पेश करते हैं, उसकी पसंद का तोहफा उसको हम पेश करते हैं, उसके पास हम कोई तगड़ी सिफारिश लेकर जाते हैं, उसके पास हम उस वक्त और उस लम्हे जाते हैं जब उसको हमारी जरूरत होती है और वो हमें खुशी से इस्तकबाल करता है, तो यकीन जानिए कि वो हमारा काम हमारे कहने से पहले ही पूरा कर चुका होता है। और अगर उसके पास किसी का फोन आ चुका है तो फिर वो हमारे दाखिल होते ही समझ जाता है कि तुम्हें फलाने भेजा है। अच्छा बैठो बैठो, पता है तुम तो अपने हो, तुम तो अपने हो। दुनिया के अंदर जब हम कहीं जाते हैं, किसी के घर पर कोई तोहफे लेकर जाते हैं, कोई हदिया लेकर जाते हैं, तो दुनिया वाले खुश हो जाते हैं, दुनिया वालों को इज्जत दी जाती है तो वो खुश हो जाते हैं, फिर वो अपना दिल खोल कर आपके सामने रख देते हैं, आपके आपको खुशी भी पहुँचाते हैं, आपको खिलाते भी हैं, पिलाते भी हैं, आपको सब कुछ देने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि आपने उनको इज्जत दी होती है। तो वो अल्लाह जो खजानों का मालिक है, बादशाहों का बादशाह है, ये उसका दरबार है, ये उसका घर है। जब इंसान मस्जिद की तरफ बावजू होकर आता है और आकर मस्जिद में दाखिल होते ही दो रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ता है, तो अल्लाह उसके लिए हर तरह के दरवाजे खोल देते हैं, रहमतें आना शुरू हो जाती है, उसके माल में जान में बरकतें आना शुरू हो जाती है। इसलिए कि अल्लाह को इज्जत दी आपने नमाज के जरिए, ये मस्जिद के जरिए, मस्जिद में आकर अल्लाह उसके बदले सारे मसलों को हल करवा देते हैं। आज हम परेशान हैं, कभी नौकरी का मसला, कभी पैसे का मसला, कभी बीमारियां, कभी मसाइल, मुख्तलिफ अवाल हमारे साथ लगे हुए हैं। चंद नफली अवाल ऐसे होते हैं कि अगर उनको हम अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें तो जिंदगी हमारी बड़ी पुरसकून हो जाए। इसलिए कि मसाइल तो दुनिया में रहेंगे, वो तो खत्म नहीं होंगे। अगर हम ये सोच लें कि मसले खत्म हो जाएंगे, मेरा घर बन जाए तो सही हो जाएगा, मेरा काम बन जाए तो, ऐसा आपकी सोच या बस ऐसा नहीं हो सकता। जब तक हमारा साथ चल रहा है, मसले मसाइल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हाँ इन मसले मसाइल को अपने ऊपर बोझ ना समझे और बोझ ना बनने दें। उसका आसान सा तरीका है कि हम फराइज और सुन्नत के साथ नफली इबादत कभी एहतमाम करें, और उन नफली इबादात में से एक इबादत तहियतुल मस्जिद की जो है नमाज है, कि हम मस्जिद में दाखिल तो दो रकात नमाज पढ़े जाए। अब बाद मरतबा हम मस्जिद में दाखिल होते हैं, फर्ज नमाज का बिल्कुल वक्त करीब है, नमाज खड़ी हो रही होती है, अब क्या करें। बाद मरतबा हम मस्जिद में दाखिल होते हैं, जोहर से पहले चार रकात सुन्नत मौकदा है, फजर से पहले दो रकात सुन्नत मौकदा है, उनके पढ़ने का सिर्फ वक्त है, अगर पढ़ेंगे सिर्फ सुन्नत पढ़ेंगे, फर्ज को वक्त शुरू हो जाएगा, जमात खड़ी हो जाएगी, वक्त नहीं है। और बाद मरतबा वक्त होता है असर की नमाज से पहले, हुक्म तो ये है कि चार रकात सुन्नत पढ़ी जाए, सुन्नत गैर मौकदा है लेकिन उसका फजीलत बहुत है, उसका एहतमाम किया जाए। तो ऐसे वक्त में कि जिस वक्त सुन्नत का वक्त हो, या फर्ज की नमाज खड़ी हो रही हो, या नफिल नमाज का वक्त हो लेकिन कम वक्त हो, तो क्या किया जाए। या मगरिब में आते हैं तो फौरन नमाज खड़ी हो जाती है, तो उस वक्त आइए तो मस्जिद हम कैसे उसका सवाब हासिल कर लें। तो सुन लीजिए, बड़ा ही आसान सा तरीका है। उलमाए किराम फुकहाए किराम ने लिखा है कि अगर कोई शख्स मस्जिद में दाखिल होता है तो दाखिल होते ही सबसे पहली जो नमाज पढ़ता है उस पर अगर दिल में अगर उसकी नियत तहियतुल मस्जिद की है तो उसको उस नमाज पर तहियतुल मस्जिद का सवाब मिल जाता है। लिहाजा आप चाहे आप फर्ज पढ़ रहे हो, चाहे आप सुन्नत पढ़ रहे हो, चाहे नफिल नमाज पढ़ रहे हो, बस दाखिल होने के बाद बैठना नहीं है, दाखिल होते ही जो नमाज पढ़ी जाएगी उसके अंदर आप तहियतुल मस्जिद की नियत भी कर सकते हैं। अब हम मगरिब पे आते हैं, जमात खड़ी हो रही है, तो हम अगर रूटीन अपनी रखे हुए हैं, बनाए हुए हैं नमाजों के अंदर, तहियतुल मस्जिद का एहतमाम करते रहते हैं, तो उस वक्त के अंदर भी हम नियत कर लें तहियतुल मस्जिद की भी, जिस तरीके से हुक्म है कि जब आप मस्जिद में दाखिल हो तो दुरूद शरीफ का एहतमाम करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लम, दाखिल होते ही दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा फतह ली अबवाब रहमतिक, दुआ का एहतमाम करें। और तीसरा काम एतकाफ की नियत करें, नवैतुल एतकाफ मादूतु फी हाज़िल मस्जिद, जब तक मैं इस मस्जिद में हूँ एतकाफ की नियत कर रहा हूँ। ये नफली एतकाफ है, हर वक्त मस्जिद में आकर उसका आपने नियत कर ली है। अगर कोई साथी मस्जिद में आ चुका है और अभी तक नियत नहीं की है तो अभी अभी बैठे बैठे की नियत कर ले कि जब तक हम मस्जिद में हैं एतकाफ की नियत करते हैं। लिहाजा एतकाफ की नियत करने के बाद फायदा ये होगा
कि एतकाफ के बारे में हुक्म ये है कि उसमें इंसान अगर जरूरत के मुताबिक कोई कलाम भी कर ले तो उसमें कोई गुनाह नहीं होता, क्योंकि एतकाफ में होता है। और कभी कुछ खाना पीना पड़ जाए एतकाफ के दौरान तो उसकी भी इजाज़त होती है। तो अगर कोई दवा खा रहा हो या कोई जरूरत की बातचीत मस्जिद में कर रहा हो तो फिर उसको लायारी शुमार नहीं किया जाएगा, एतकाफ की बरकत से वो भी इबादत के अंदर ही किया जाएगा। इसलिए हमें मस्जिद में दाखिल होते ही तमाम सुन्नतों का एहतमाम करना चाहिए, और नमाज का वक्त हो तो दो रकात नमाज का यजन मस्जिद का एहतमाम कर लेना चाहिए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से जब सफर शुरू करके मस्जिद अक्सा तक पहुँचते हैं तो मस्जिद में दाखिल होने के बाद आपने दो रकात का यजन मस्जिद पढ़ी है, वहाँ पर पहले से मौजूद अंबिया किराम अलैहिस्सलाम मौजूद है, लेकिन पता नहीं है किसी को कौन क्या है, बस सफ़े लगी हुई है, सब लोग बैठे हुए हैं। आप भी वहाँ पर पहुँचते हैं, सफ़े ऊपर में आपके लिए जगह खाली है, आप आकर बैठ जाते हैं, अजान होती है, अजान के बाद नमाज खड़ी होती है। अब सब सब बंदी के अंदर खड़े हैं, इब्राहिम अमीन आप अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़कर आपको आगे करते हैं, आप इमामत फरमाते हैं और नमाज अदा फरमाते हैं। आपके इब्तदा में तमाम लोग जो वहाँ मौजूद हैं सबने नमाज अदा फरमाई। नमाज के बाद आपको जिब्राइल अमीन ने बताया कि आपको पता है कि आपने नमाज किसको पढ़ाई, आपके पीछे नमाज पढ़ने वाले आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया किराम मौजूद हैं जिन्होंने आपके इब्तदा में नमाज पढ़ी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अर्श से फरिश्ते भी तशरीफ लेकर आए हैं, इसलिए कि नमाज के बाद अर्श से आए हुए फरिश्ते ने पूछा, ए जिब्राइल अमीन ये कौन है, हमने किसकी इब्तदा में नमाज पढ़ी है? तो आपको बताया कि ये अल्लाह के महबूब आखिरी पैगंबर खातमुन नबियीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनकी इब्तदा में हमसे ने नमाज अदा की। तो आपकी इब्तदा में वहाँ नमाज पढ़ी। जब मेहमान खुसूसी आता है तो खुसूसी प्रोग्राम भी होता है, और इमाम की इमामत की इब्तदा की बरकत से नमाज की अहमियत बढ़ जाया करती है। इसीलिए हम करते हैं वो अमल कि जब कोई मेहमान आ जाए, कोई शेखुल हदीस आ जाए, कोई उस्तादुल हदीस आ जाए, कोई हमारे बड़े आ जाए, तो फिर इमाम क्या करते हैं मस्जिदों के अंदर, अगरचे वो मुकर्रर इमाम है लेकिन फिर भी अपने साथियों के आने पर हजरत आप नमाज पढ़े, आप नमाज पढ़े। यहाँ पर भी जब भी कोई इस तरह के मेहमान आते हैं जो हरदिल अजीज हैं, जो उलमा की शान हैं और उनके बारे में इल्म भी होता है कि ये कौन है, तो फिर उनको इसी तरह इज्जत दी जाती है, इस तरह मेहमानों को दी जाती है, तो उनकी वजह से नमाज की शान बढ़ जाया करती है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में पहुँचते हैं, वहाँ पहले से सारे अंबिया किराम मौजूद हैं और सब जो है वो देख रहे हैं कौन इमाम बनेगा। मेहमान खुसूसी जैसे ही तशरीफ लाए फौरन पता चल गया कि हमारा इमाम कौन है, और उसकी वजह से उस नमाज की अहमियत बढ़ गई। और नमाज के फौरन बाद फिर तकरीर मुनक्किद हुई, जिसको आजकल हम अपनी इस्तिलाह में यूं कहें कि फिर सीरत नबी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई, और ऐसी कॉन्फ्रेंस जो उससे पहले कभी मुनाकिद नहीं हुई दुनिया के अंदर और ना उसके बाद कभी फिर मुनाकिद होगी। वो वाहिद कॉन्फ्रेंस थी जो सबसे आला थी, सबसे अरफा थी, उसके मेहमान खुसूसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और आपके सामईन तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम और तमाम अर्श के फरिश्ते मौजूद थे। वहाँ वो आपके सामईन थे। जब वो कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो तआरुफ शुरू हुआ, हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह और तमाम अंबिया किराम से तआरुफ हुआ। जो जलील कदर अंबिया अलैहिस्सलाम थे उन्होंने अपनी हमद सलाम पेश की, अपना तआरुफ पेश किया। आखिर में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेज पर तशरीफ लाए और आपने अल्लाह की हमद सलाम की बिदाई को बयान किया, और फिर उसके बाद आपने यूँ फरमाया कि मैं वो नबी हूँ कि जिस पर अल्लाह ताला ने कुरान पाक को नाज़िल किया, मैं वो नबी हूँ जिसको अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर मबूस किया, मैं वो नबी हूँ जिसको अल्लाह ताला ने यहाँ पर फाते बनाया, यहाँ पर फाते बनाया दुनिया के अंदर, और मुझे खातमुन नबीयीन बनाकर मबूस किया। और आप खातमुन नबीयीन हैं, नबियों के सिलसिले को खत्म करने वाले हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और ये वो अमल है खातमुन नबीयीन का पहरा देना, ये अल्लाह को इतना पसंद है, फरमाया कि जो
एक वो हस्ती, एक वो शख्सियत कि जिसको हम किसी हवाले से पहचानने लगे थे सफीर खत्म नबूवत के नाम से, खादिम खत्म नबूवत के उनवान से, कि अगर किसी ने सही हक अदा किया इस दौर के अंदर, इस वक्त के अंदर, तो एक ही शख्स है जिसको हमारे काबिरीन ने कहा कि एक गूंजती हुई ऐसी आवाज थी कि जिसको शिकस्त देना मुश्किल पड़ रहा था। वो आवाज अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की थी कि जब वो मिंबर पर आकर खत्म नबूवत की आवाज लगाते थे, खत्म नबूवत की बात किया करते थे, तो मजमे पर सुकून तारी हो जाता था। और उनकी आवाज अल्लामा इकबाल की शायरी के साथ ऐसी गूंजा करती थी कि हर दिल दिमाग के अंदर वो बात और वो उनवान उतर जाया करता था जो मकसद हुआ करता था। वो आवाज हमसे जुदा हो गई, लेकिन खत्म नबूवत के मुनकिरीन कादियानी हो, अहमदी हो, या किसी भी नाम से वजूद के अंदर हो, वो इस बात से खुश ना हो, वो इस बात से खुश ना हो कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी नहीं रहे तो अब हम जो चाहे करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जंगल से एक शेर खत्म हुआ है, कब हुआ है वो अपने सफर आखिर पर रवाना हुआ है, अभी तो बहुत सारे शेर सरकारने वाले मौजूद हैं। चाहे सियासत का मैदान हो, चाहे खत्म नबूवत का मैदान हो, चाहे मदारिस खानकाहों का मैदान हो, चाहे मसाजिद के मिंबर हो, जलसे जुलूस हो, वहां पर आपको हमारे ऐसे अकाबरीन उलमा की आवाजें मिलती रहेंगी जो इंशाअल्लाह ताज़मे हयात ललकारती रहेंगी और खत्म नबूवत को पहरा देती रहेंगी। तो इसलिए कोई इस गुमान में न रहे। हाँ, ये सफर जो जरूरी है, हर एक को इस सफर पर रवाना होना है। वक्ती तौर पर एक खला नजर आ रहा है कि बड़ा हमारा नुकसान हुआ है, लेकिन जो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह में, अल्लाह ने इसी में हमारे लिए कोई बेहतरी रखी हो। तो इसलिए हमें जाने वालों के लिए तस्करे अच्छे अंदाज से करने चाहिए, जो जिंदा हैं उनके साथ अपने गुमान अच्छे रखने चाहिए, और जो जा चुके हैं उनके लिए दुआएं खैर करनी चाहिए। हमें अपने आपसी और जाती इख्तलाफात को देखकर, सामने रखकर दुश्मनियां कायम नहीं करनी चाहिए। दीन इस्लाम मुत्तफिक होने के लिए भेजा गया है, तो दीन इस्लाम का अगर हमने कलमा पढ़ा है तो हम किसी भी जमात से मुंसलिक हैं, किसी भी मसलक से मुंसलिक हैं। अगर हम अल्लाह को एक मानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानते हैं, कुरान को अल्लाह का कलाम किताब मानते हैं, तो मेरी यकीन जानिए फिर एक होकर रहे, एक बनकर रहे, फिर किसी किस्म के जाती इख्तलाफात, मसलक के इख्तलाफात को उभारने उभरने ना दें। और जो लोग इस तरह की साजिशें करते हैं, अव्वल तो उनको अपने मुंह ही ना लगाएं। सबसे आसान तरीका होता है नजरअंदाज कर देना, नजरअंदाज कर देना इतना बेहतरीन हरबा है कि बड़े से बड़ा दुश्मन भी सीखपा होकर रह जाता है और अपनी साजिशें अपने मुंह पर लेकर ही रह जाता है। तो हम नजरअंदाज किया करें, चाहे वो इस्लाम के दुश्मन हो, चाहे वो हमारी जात के दुश्मन हो, चाहे वो हमारे कामों के अंदर रुकावट डालने वाले हो, चाहे वो किसी तरह के भी लोग हो, जो भी हासिदाना तबीयत रखते हैं, जो भी मुनाफिकाना तर्ज इख्तियार करते हैं, ऐसे लोगों को नजरअंदाज कीजिए। अल्लाह ताला मुमकिन है कि इस नजरअंदाज होने की वजह से बाज लोगों को हिदायत की तौफीक दे दे, और जिनके नसीब में हिदायत ना हो तो अल्लाह उनके जान के साथ उनको रखे, हम उनके शर से महफूज रहे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा में खिताब फरमाया। ये मस्जिद अक्सा वो मस्जिद है जहाँ पर लाने का मकसद क्या था, ये बतलाना था कि ये वो जगह है अल्लाह ने जिसके इर्द गिर्द बरकतें रखी हैं, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को वहां पर मबूस किया गया। आपकी सफर की इब्तिदा मस्जिद हराम से हो रही है जो बाबरकत है। आपके सफर के अंदर आप खुद शरीक हैं जो रहमतुल आलमीन है। आपके सफर के अंदर आपकी गाइड के तौर पर जो आपके साथ है जिब्रील अमीन, जो सफीर नबूवत है, जो सफीर नबूवत है, इन्नहु लकौलु रसूलिन करीम मुताअन थम्मा अमीन, जिब्रील अमीन की तारीफ की गई है कुरान पाक। और आप जिस जगह तक लाए गए वो मस्जिद अक्सा है, बारकना हौलहु, जिसके इर्द गिर्द बरकतें रखी गई है। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को जमा फरमाकर और तमाम फरिश्तों को आपके इत्तला में खड़ा करके अल्लाह ने वाज़ह तौर पर ऐलान फरमा दिया, तमाम कायनात में अल्लाह के बाद अगर कोई इमामत वाला है
तो आपकी इमामत हमें कबूल है, आपने लाया हुआ दीन हमें कबूल है, आपके लाया हुआ दीन हमारा पसंदीदा है, तो फिर अपने आप को उस पसंदीदा दीन के मुताबिक बनाइए। हमारे चेहरे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद वाले हो, हमारे लिबास भी वैसे हो, हमारा तर्क भी वैसा हो, हमारा चलना फिरना भी वैसा हो, हमारा हम कलाम होना भी वैसा ही हो। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, कलाम से पहले सलाम किया करो। आज हम सलाम करते हैं जान पहचान वालों से, आज हम सलाम करते हैं जो है अपने बड़ों से, आज हम सलाम करते हैं अपने ताल्लुकात वालों से, आज हम सलाम करते हैं अपने दोस्तों से। अगर कोई दुश्मनी कर रहा हो, अगर कोई मुखालफत कर रहा हो, अगर कोई अपने काम से काम रखने वाला हो, तो हम कहते हैं इसको सलाम करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, क़ुर्बे क़यामत के बारे में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग अपने बड़ों को और खास लोगों को सलाम करेंगे, बाकियों को नहीं करेंगे। तो आज हम इस तर्ज को इख्तियार न करें, बल्कि हर एक को सलाम किया करें। यही अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन का सुन्नत तरीका है और आपकी ही सुन्नत है। तो आपने खिताब के दौरान जब यूं फरमाया कि मेरी उम्मत सबसे बेहतरीन उम्मत बनाई गई है और मैं रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया हूं, मैं सफीरे नबूवत खत्मे नबूवत हूं और मुझे अल्लाह ने फाते बनाकर भेजा है, आपने उस जगह उन लोगों के दरमियान आपको मबूस किया गया जो आपके अपने होते हुए भी आपको तस्लीम करने के रवादार नहीं थे, जहालत ऐसी उरूज पर थी कि काबतुल्ला के अंदर बुत खाना बनाया हुआ था, बुत रखे हुए थे और अपने सफरों के अंदर अपने बुतों को हाथ से बने हुए बुतों को साथ ले जाया करते थे, गैरुल्ला के नाम पर नजरों ने याद किया करते थे, वे सारे जहालत वाले काम उरूज पर थे। उस मौके पर, उस जहालत की जगह पर अल्लाह ने अपने महबूब को मबूस करके हिदायत की रोशनी को वहां से चलाया और बता दिया जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज को इख्तियार करेगा अल्लाह उसको दुनिया का फाते बना देगा, अल्लाह उसको वैसे ही उरूज अता फरमाएगा। आप मस्जिद अक्सर से बाहर निकले, आपके सामने एक रिवायत में आता है कि दो प्याले पेश किए गए, एक दूध का और एक शराब का, और बाद रिवायत जो आते एक दूध का था, एक शराब का था, एक पानी का था, तीन प्याले पेश किए गए, और बाद रिवायत जो आते चार प्याले पेश किए गए, एक दूध का था, एक शराब का था, एक पानी का था, एक शहद का था। मुख्तलिफ रिवायतों के अंदर ये बातें मौजूद हैं। भारत आपके सामने जब प्याले पेश किए गए तो आपने दूध के प्याले को पसंद फरमाया और उसको पी लिया। जिब्रील अमीन ने आपको देखकर मुस्कुराया, फरमाया आपने फितरत को इख्तियार कर लिया, आपने दूध को इख्तियार करके अपनी उम्मत को बचा लिया। अगर आप पानी को इख्तियार करते तो डूब जाती आपकी, शराब को इख्तियार करते तो फिर वो गुनाह में लग जाती और वो इसी की दिलदादा बन जाती, और अगर आप शहद की तरफ चले जाते तो दुनिया की मिठास की दुनिया लग जाती। आपने दूध को इख्तियार किया जो अल्लाह का पसंदीदा है, अल्लाह ने आपकी उम्मत को दूध के जरिए महफूज फरमा दिया। फिर उसके बाद आपका अगला सफर का हिस्सा जो आसमान की तरफ गया, आज की तरफ गया, वो शुरू हुआ। वो क्या हुआ, कैसे हुआ, उसमें क्या क्या वाकयात हुए, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह आयतें जिनमें बयान किया जाएगा। अल्लाह हम सबको दीन